तो मून नाइट का फाइनल एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड के साथ मेरी जितनी भी एक्सपर्टीज थी हाँ एक हद तक पूरा करता है, लेकिन एक जगह पे दिक्कत आती है, वो है इसका VFX। अच्छा ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, लेकिन ये जितनी भी शिकायत थी इसका पोस्ट क्रेडिट उसको वसूल कर देता है। तो है गाइस, मेरे प्रोफेसर बरिस और आज मैं बात करूँ मून नाइट के फाइनल एपिसोड के बारे में। तो बिना किसी डर के लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग एपिसोड 4 के उस एंड से शुरू होता है जहाँ पर मार्क स्पेक्टर को गोली लगी होती है और फिर आर्थर आरा के लोग उसको निकाल के उससे अमित की मूर्ति लेके आर्थर आरा को दे देते हैं, जिसको देखने पर आर्थर आरा को एक छोटा सा ऑर्गेज्म फील होता है। और फिर हम देख सकते हैं लाइला का जो कि दुखी होती है और मार्क स्पेक्टर के बॉडी के पास होती है, और फिर हम देख सकते हैं कि आर्थर आरा अपने लोगों से कहीं जा रहा होता है, मतलब कायरो से निकल रहा होता है। और फिर वहाँ पे पुलिस वाला आ जाता है जो कि बोलते हैं कि तुम्हारा पासपोर्ट दिखाओ, तो वो क्या करता है कि वही छड़ी को यूज़ करके उनकी आत्मा को ले लेता है और फिर एक पुलिस वाला बच जाता है। और हाँ, पुलिस वाले इसको अगर देख रहे हो तो कभी भी किसी को पासपोर्ट नहीं मांगना चाहिए, इससे भी करके अगर वो तुम्हारे देश में है तो है। और फिर आर्थर आरा उनके लोगों को कहता है कि ये सारे लाश को साफ कर दो। और फिर टॉयलेट जो होती है एक पुलिस वाले के अंदर आके लाइला को बोलते हैं तुम आर्थर आरा को नहीं हरा सकती, उसके लिए तुम्हें कौनसों की मदद लेनी होगी। और फिर वो ऐसे बार बार करके बोलते हैं कि मैं एक मुर्दा के अंदर आ जाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा आता है करना। और फिर वो ऐसे करके लाइला को वॉर्न करती है और फिर सारे गॉड्स आ जाते हैं उसी पुराने किले के अंदर, मतलब पिरामिड के अंदर, जहाँ वो बोलते हैं कि क्या हुआ अचानक। और वो बोलते हैं कि कोई आमिर को जिंदा करना चाहता, तो गॉड बोलता है कि ये आर्थर का काम होता है और आर्थर उनके सामने आ जाता है। और फिर ये लोग आर्थर को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ये नाकाम कोशिश होते हैं और सारे गॉड्स मारे जाते हैं आर्थर आरा के द्वारा। और आर्थर आरा अमित की मूर्ति को नीचे फेंक कर उसको आज़ाद कर देता है। और ये अमित सोच रहा था कई भद्दी से दिखती होगी लेकिन ये एक मगरमच्छ निकली, क्या बात, मानना पड़ेगा। और फिर इधर लाइला खोंचू की मूर्ति को ढूंढ लेती है और फिर अमित बोलते हैं कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सेवक हो, तुमने पाप किया है लेकिन तुम्हें मैं बख्श देती हूँ। और फिर आर्थर आरा कहता है कि नहीं, अगर आप चाहते हैं मेरी जान लेना तो ले सकते हैं, खुशी खुशी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और अमित बोलते हैं नहीं, तुम्हारी जान लगे तो मेरा काम कैसे होगा। तो उसके सर पे हाथ घुमा देती है और फिर से आर्थर आरा को ऑर्गेज्म फील होता है और फिर वो खुश हो जाता है। और इधर खोंचू लाइला को बोलते हैं कि एक काम करो, अगर अमित को हराना है तो तुम मेरे अवतार बन जाओ। तो लाइला बोलते कि भाड़ में जा रहे तू, मैं तेरा अवतार नहीं बन सकती। और वैसे भी तेरे पास कोई और रास्ता है तो बोल। तो खोंचू बोलता है कि नहीं, तुम ही मेरे अवतार बन जाओ, मैं मार्क को फील नहीं कर सकता। तो लाइला बोलती है कि मार्क तुम्हारी वजह से मारा गया है। और उधर आर्थर आरा अपने लोगों को लेकर जा रहा होता है कायरो के लिए और खोंचू उनके सामने आ जाता है। और फिर हम देख सकते हैं कि मार्क स्पेक्टर को जो कि हेवन में है अभी के लिए। तो फिर वो बोलता है कि देखो अगर मैं चाहूँगा तो स्टीवन के साथ ही, और अकेला तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। और इधर खोंचू अमित को बोलता है कि देखो तुम जो कर रही हो वो गलत है, तो इससे दूर रहो, चुपचाप अपनी कब्र में वापस ले जाओ। और फिर हम देख सकते हैं कि मार्क जा रहा है स्टीवन के पास और कुछ बातें इमोशनल बातें करता है कि तुम ही मेरे असली सुपर पावर हो, जब से तुम में मैंने बना है मैं सुकून से जी रहा हूँ और तुम्हें वो सारे दुख दर्द से दूर किया है मैंने। और इधर मार्क पत्थर बनने वाला होता है लेकिन वो हार्ट चमक उठता है जिसकी वजह से वो दोनों फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और फिर ओसाइरस का दरवाज़ा खुल जाता है। और इधर टॉयलेट आके बोलती है कि देखो ओसाइरस तुमसे खुश हो चुके हैं तो इसी दौरान चले जाओ यहाँ से। तो फिर खोंचू और अमित के बीच में लड़ाई चल रही होती है जिसमें खोंचू बुरी तरह पिट रहा होता है और खोंचू बोलता है कि मार्क को मैं महसूस कर सकता हूँ। इधर हम देखते हैं कि मार्क अब पूरी तरीके से मून नाइट बन चुका है और फिर वो आके खोंचू से मिलता है। तो खोंचू बोलता है कि देखो अमित को सिर्फ तुम ही हरा सकते हो क्योंकि मेरी शक्तियाँ कमज़ोर हो रही है। तो फिर मार्क स्पेक्टर बन जाता है स्टीवन ग्रांट और स्टीवन ग्रांट मिस्टर नाइट बनकर उसे सौदा करता है कि देखो अगर मैंने अमित को रोक लिया तो हमको आज़ाद कर देना तुम। तो खोंचू बोलता है ठीक है, अब तुम बोल ही रहे तो आज़ाद कर ही देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। और वो बोलता है कि देखो तुम लोग भूल रहे हो कि अभी भी मैं रात का देखता हूँ। और फिर से वो दिन को रात बना देता है। और इधर मून नाइट उठ के चांद के पास चलते हैं, ये सीन अच्छा था वैसे भी। और उधर लाइला एक गॉड को बचा के ले आती है और उसे पूछती है कि अमित को कैसे रोका जाए। तो गॉड बोलता है कि अमित को रोकने का सबसे एक ही रास्ता है और वो है किसी अवतार उसको रोके। और फिर वो मर जाती है और लाइला टॉयलेट को पुकारती है। टॉयलेट आके बोलती है कि हाँ मैं आ चुकी हूँ, तो क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी। तो टॉयलेट लाइला की बॉडी को टेक ओवर कर देती है और बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे अंदर हूँ, अभी
तो मेरी अवतार हो, तो लायला बोलते कि बस टेम्पररी के लिए। और उधर मून नाइट मस्त उड़ के जाता है अर्थरार को पास, जो कि पिरामिड के ऊपर खड़ा होकर हैमिट वाला जादू करता है, मंत्र मंत्र पढ़ के उन सब की आत्मा को निकालता है। और उनके आदमी तो कायरो के अंदर जाके लोगों को ऑर्गेज्म भी दे रहे होते, मतलब ये क्या सीन है, ऑर्गेज्म फील होता है कि इन लोगों को। और फिर उनके आत्मा को हैमिट खा रही होती है भुक्कट साली। और हम देख सकते हैं लायला को एक नए सूट के अंदर, जो कि टॉयलेट की वजह से आता है। और फिर उसके पंखे भी है, हाँ कसम से लड़की से मुझे प्यार हो रहा है। मार्वल वालों, हर सीरीज में एक एक क्रश दे रहे हो तुम लोग, शाबाश। और उधर हम देख सकते हैं कि आर्थरार और मून नाइट के बीच में एक फाइट सीन। और फिर खोंसुआ के पीछे से हैमिट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हैमिट उसको रोक लेती है। और फिर ये दोनों के बीच में फाइट सीन चल रहा होता है, जहाँ पर खोंसु इस पर हैमिट के ऊपर भारी पड़ता है। और हैमिट खोंसु को बोलती है कि हम दोनों का इरादा एक ही है। तो खोंसु बोलता है नहीं, हम दोनों का इरादा एक नहीं है, मैं लोगों को गुनाह करने के बाद सजा देता हूँ, लेकिन तुम तो उनको पहले से सजा देती, तो क्या इंसाफ बनेगा तू, क्या इंसाफ करेगी तू। और फिर हम देख सकते हैं कि मून नाइट पीट रहा होता है अर्थरारों से, फिर लायला के उसे बचा लेती है। फिर ये दोनों के बीच में प्यार भरी बातें होती है। और फिर स्टीवन आके बोलता है कि देखो ये सूट मस्त है, तुम पे जच रही है, साला ठरकी गई का। और फिर दोनों के बीच में प्यार भरी बातें होने के बाद ये दोनों फिर से लड़ जाते हैं अर्थरारों के लोगों के साथ, जहाँ पर इस बार मिस्टर नाइट बन के स्टीवन ग्रैंड डांडिया खेल रहा होता है, नहीं उस टीका से सही से इस्तेमाल कर रहा था ये। और फिर स्टीवन ग्रैंड फिर से मरता है मास पेटर, मतलब मिस्टर नाइट से मून नाइट। और हाँ, ये एक्शन सीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया भाई। और फिर अर्थरारो लायला को मारने जा रही होती है, फिर मिस्टर नाइट बन के स्टीवन ग्रैंड उसको मारने लगता है। और फिर अर्थरारो मून नाइट को गिरा देता है, मतलब वो झड़ी का इस्तेमाल करके। और फिर उसकी आत्मा ले रहे होता है, तभी आ जाता है एक ब्लैकआउट। और हाँ, ये ब्लैकआउट क्यों हुआ था आखिर में पता चलेगा पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद। और फिर जब ब्लैकआउट ख़त्म होता है, मार्क देखता है कि वो अर्थरार को अर्थमार करके छोड़ देता है, उसके आत्मा को मार देता है। और फिर वो स्टीवन से पूछता है कि क्या तुमने क्या, तो स्टीवन होता है क्या पागल है क्या तू, मैं ये क्यों करूँगा। और फिर लायला बोलते है कि मार्क आखिर तुमने क्या किया। तो फिर वो बोलती है कि देखो मुझे पता है कि अमित को कैसे रोका जा सके, तो ये लोग आर्थर की बॉडी को लेकर चले जाते हैं उस मंदिर के अंदर और वही रीति रिवाज करते हैं, और जिसकी वजह से अमित की आत्मा अर्थरारों के मुंह में चले जाती है। अभी 1920 वाला सीन है क्या। और फिर अमित अर्थरारों के बीच में मतलब उसके बॉडी को टेकअप करके बोलते हैं कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। और फिर खोंसु बोलता है कि मार्क को इसको मार दो, तो खोंसु बोलते मार्क बोलता है कि तुम भी इसके जैसे बन गए क्या। और आखिर में मार्क बोलता है कि देखो इसको मैं नहीं मारूंगा और हमारे डील के हिसाब से मुझे आज़ाद करो। तो खोंसु उसको आज़ाद कर देता है। और हम देख सकते हैं कि ये वो फिर से वही असलम के अंदर आ चुके हैं, इस बार दोनों एक साथ है। तो आर्थरार बोलता है कि देखो तुम्हारा इलाज ख़त्म होने वाला है। तो मार्क बोलता है कि ठीक है कब ख़त्म होगा। और फिर मार्क बोलता है कि देखो अगर इलाज ख़त्म नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। लेकिन जब आर्थरार चल के जा रहा था तो उसके पैरों के नीचे से खून निकलता है, तो आर्थरार बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो मार्क बोलता है कि अब तुम्हारा इलाज मैं करूँगा। और फिर दोनों एक घर के अंदर आग खोलती हैं जो कि स्टीवन का होता है। और फिर स्टीवन बोलता है कि मुझे सब भरोसा नहीं होता। तो मार्क बोलता है कि मुझे भरोसा नहीं होता कि तुम इस घर में रहते हो। और फिर नीचे गिर जाते हैं, वही पैरों में बेटियां बंधने वाला सीन। और फिर आता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पर अर्थरार के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा होता है और उसको पीछे जाके कोई ले रहा होता है, लेकिन उसको लगता था कि उसका आदमी है। और फिर जब उसको लेके जा रहा था तो देखता है कि हॉस्पिटल के अंदर कई सारे लाशें हैं जिसको किसी ने मार दिया। तो उसको एक गाड़ी में ढकेल देता है, फेंक देता है गाड़ी के अंदर, जाके बैठना भोसड़ी के वहाँ। और उसके सामने खोंसु आता है जो कि सूट बूट में होता है। तो खोंसु उसको बोलता है कि देखो मैं चाहता था कि अगर मार्क मर जाता तो उसकी बीवी को मैं अपना अवतार बना, लेकिन मुझे इसकी क्या जरूरत जब मार्क खुद को ही नहीं पता कि उसके अंदर कितनी पर्सनैलिटी है। और वो बोलता है कि देखो ये मेरा नया दोस्त है जैक लॉकली। तो हमें पता चलता है कि आखिर में सारे जो कत्ल करता था वो जैक लॉकली ही करता था, जो कि उसकी थर्ड पर्सनैलिटी होती है। और फिर वो अर्थरार उसके सामने मौत मना मरने की भीख मांगता है कि मुझे मत मारो, लेकिन ये बंदूस लेके प्यों प्यों करके ख़त्म कर देता है। और ख़त्म सीरीज ख़त्म। देखो अब से वही फिर से वही चुतिया पा। अगर वीडियो देखिए कुछ भी पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करना उसके बाद जो वाला घंटा था ताकि तुम लोग नोटिफिकेशन पा सको। और हाँ, डॉक्टर शैन देखने जा रहा हूँ तो उसके ऊपर स्पॉइलर फ्री रिव्यू आ, क्योंकि फर्स्ट शो है मेरा, तो आराम से रिव्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इसी साथ मैं प्रोफेसर बोरिस आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात इस वाले, तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।